भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगा है। सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर भारत के खिलाफ 17 दिसंबर से शुरू हो रहे एडिलेड टेस्ट से बाहर हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने ये जानकारी दी है कि वॉर्नर बॉक्सिंग डे टेस्ट में लौटने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि वॉर्नर को भारत के खिलाफ सीरीज के दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच के दौरान चोट लग गई थी। उन्होंने उस मैच में 83 रन बनाए थे। फील्डिंग के दौरान लगी चोट के चलते उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा था। वॉर्नर ने एक बयान में कहा, मुझे लगता है कि कम वक्त में मैंने अच्छा रिकवर किया है। मुझे लगता है कि मेरे लिए यही अच्छा होगा कि मैं यहीं सिडनी में रहकर पूरी फिटनेस हासिल करने की कोशिश करूं। उन्होंने कहा कि चोट अब काफी बेहतर लग रही है, लेकिन मुझे अपने मन और टीम के साथियों को ये समझाना होगा कि मैं टेस्ट मैच के लिए 100% फिट हूँ। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि वॉर्नर की जगह कौन लेगा, लेकिन कैमरन ग्रीन ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ए के लिए खेलते हुए भारत ए के खिलाफ सेंचुरी लगाई थी। भारत की ओर से इस टीम में मजबूत गेंदबाजी आक्रमण उतरा था। देखना होगा कि डेविड वॉर्नर की जगह ऑस्ट्रेलियाई टीम किसे मैदान में उतारती है। तो आप भी अपनी नजर बनाए रखिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।